भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 2000 भक्त अयोध्या पहुंचे, जहां भक्तों ने भगवान राम का दर्शन किया। छत्तीसगढ़ से अयोध्या पहुंचे भक्तों से हमारे संवाददाता बीएस लाठी ने खास बातचीत की है, देखिए भक्तों ने क्या कुछ कहा। भगवान राम के ननिहाल से अयोध्या पहुंची जो ट्रेन है आस्था, वो कल ही पहुंच चुकी थी और आज वो ये ट्रेन है दुर्ग अयोध्या धाम। ये स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है भगवान राम के ननिहाल से छत्तीसगढ़ से, ये जो ट्रेन है वो अयोध्या पहुंची और आप देख रहे हैं कितना सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये जो ट्रेन है बस कुछ ही देर में अयोध्या से छत्तीसगढ़ रवाना होगी। हमारे साथ जो श्रद्धालु हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आप भगवान राम के ननिहाल से आए हैं, दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। पूरे 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के नागरिक हमारे भाचा राम जी हुए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उत्साहित है और ये अयोध्या आने के लिए ललायत है सब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता। और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की आस्था अभी अयोध्या से जुड़ी हुई है। हमारे 125 करोड़ देशवासी जो हैं वो सभी भगवान राम के दर्शन के लिए जितने जल्द हो सके जल्द दर्शन करना चाहते हैं। और हम इस सरकार को धन्यवाद देंगे, यहाँ की व्यवस्था को धन्यवाद देंगे, यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देंगे कि पूरे देश और विदेश से जितने भी नागरिक यहाँ आ रहे हैं उन सबके लिए सुचारू रूप से संचालित व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। जितने नागरिक यहाँ आ रहे हैं उन सबको मंदिर दर्शन से लेकर रहने की, खाने की, पीने की, घूमने की प्रत्येक व्यवस्थाओं पर प्रशासन का एवं यहाँ के स्थानीय लोगों का, सरकार का बहुत बहुत सहयोग रहा है। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आप देख रहे हैं कितनी खुशी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम यूप नारायण यादव है, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के भाचा राम जय श्री राम जय श्री राम। तो आप देख रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं और भगवान राम लला के नगर में दर्शन पूजन करके और अब यहां से जो आस्था ट्रेन है वो दुर्ग वो अयोध्या से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होगी, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़ में। तो जो उत्साह है अयोध्या में पूरा राममय है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ IHNH न्यूज़ VS लाठी अयोध्या।